हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एन अदर न्यू वीडियो सो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो सो so, कुछ इसी तरह की वीडियो आज हम लोग अपने आफ्टर फैक्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरह बना सकते हैं सो so, बनाना तो नहीं सीखेंगे बट टेम्पलेट आप लोगों को जरूर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और पासपोर्ट उसका आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा सो so, सबसे पहले जब आप लोग फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ फॉर्म्स मिलेंगे सो so, जिन्हें आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा फ़ोन का भी बता दूँगी किस तरह इंस्टॉल करना है सो so, फोर्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्मेट में आएंगे तो इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ डॉट ओ के नाम से आप लोगों के पास आएंगे तो आपने सिंपल डबल की करना है और इंस्टॉल के बटन पर इंस्टॉल कर देना है ठीक है so, सो इंस्टॉल कर देंगे और ये इंस्टॉल हो गया और इसको बंद कर देंगे तो अगर आप, आप इससे डा डिलीट भी कर देते हैं अपने सिस्टम से तो फ़ोन आप लोगों का इंस्टॉल हो चुका हुआ है आपके सिस्टम के अंदर तो आप किसी की चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ये फ़ोन आप तो फ़ोन इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोगों के पास यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आफ्टर इफेक्ट की फाइल्स ठीक है तो आपके पास इस बार दो फाइल्स आएंगे आफ्टर इफेक्ट की एक होगी आल यू नीड वाली और सेम वही एक सी सी थर्टीन है और एक प्रोमो है सिंपल उस पर कुछ नहीं निकला तो आप इनमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं तो मैं फर्स्ट वाली ओपन कर लेता हूँ ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे आफ्टर इफेक्ट ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके अंदर ओपन कर देगा फाइल मेरी सो so, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ और ये थोड़ा सा लोड होगा और ओपन हो जाएगा सो ओपन होने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक और बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो आप लोगों को कह रहा होगा कि आपको ये ये फोनस चाहिए जो भी आप लोगों ने बीच में इंस्टॉल नहीं किए हुए तो आप लोगों को जो फोनस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं फाइल के अंदर वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेने हैं तभी आप लोगों को यहाँ पर जो टैक्स है उसी शेप के अंदर यहाँ पर आपको शो होगा सो ये देखें ये रही हमारी वीडियो आज की जो आज हम यहाँ पर बनाएंगे सो देखते हैं हम इससे किस तरह एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास साइड बार में यहाँ पर तीन हमारे पास फोल्डर्स आ रहे हैं जो पहला है वो अदर्स का फोल्डर्स आ रहा है हमारे पास जिसके अंदर हमारी इमेज वगैरह अवेलेबल है ठीक है और नीचे हमारे पास एक आ रहा है लाइंस को लाइंस पेज सो इसको अभी हम छोड़ देते हैं फिर नीचे आ रहा है एडिट कैप कि जो हम एडिट करेंगे वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीन वन सीन टू सीन थ्री ठीक है और सबसे नीचे हमारे पास फाइनल कैम आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास ऑडियो दी हुई है और हमें फाइनल कैम्प दिया हुआ है जिसे हम लोग विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीव्यू जो हम अभी बना रहे हैं वो किस तरह का दिख रहा है तो इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये यही बैलेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमारा पूरा प्रीव्यू होगा तो फ्रेंड्स अब हमें एडिट करना है और हम यहाँ पर देख लेते हैं फाइनल कैम्प मैंने आप लोगों को दिखा दिया कुछ इस तरह का हमारे पास शो होगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है लोगो और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं तो ये देखते हैं कैसे होगा तो यहाँ पर देखिएगा एडिट कैम में जाएंगे सेकंड वाले में और इसके फर्स्ट सीन को हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले इंट्रो लिखा हुआ है ठीक है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे इस इंट्रो के अंदर जो, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टाइलिश प्रोमो ठीक है तो हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा स्टाइलिश प्रोमो तो इसकी जगह हम लोग अपने ब्रांड का नेम भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हमारा नेम चेंज हो गया अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर जो ऊपर लोगो आ रहा है उसे चेंज करना है सो तो उससे पहले हम लोग नीचे यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का लिंक आ रहा है जिसे हम लोग चेंज कर देते हैं ठीक है फ्रेंड्स सो so, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लोगो रह जाता है आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके यहाँ पर लोगो इंसर्ट कर सकते हैं सो so, मैं इस वाले लोगों को हाइड कर दूंगा और यहाँ पर अपना लोगो ले आता हूं सो so, ये वाला लोगो ही मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं यहां से मूव टू ले लूंगा मैं ठीक है जिसकी शॉर्टकट आप वी प्रेस कर सकते हैं और अब मैं इसको शिफ्ट दबाकर इक्वली छोटा कर दूंगा माउस के साथ अगर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप इसका रीसाइज देख सकते हैं ठीक है तो ये मेरे पास यहाँ लोगो आ गया अब मैं इसको फाइनल कैंप में जाकर विजिट कर लेता हूँ ये देखें ये मेरा लोगो आ गया और ये मेरा नेम और चेंज हो चुका है यहाँ से मैं इसको फिट कर देता हूँ और ये देखिएगा ये लोगो आ गया मेरा और ये मेरे पास यहाँ पर नेम ये वेबसाइट का नेम आ गया ठीक है सो so, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब स्टेप आता है ये वाला तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चेंज करना है और यहाँ पर कुछ इमेजेस ब्लैंक हैं अभी तो यहाँ पर हमें इमेजेस लगानी है सो so, अब हम लोग यहाँ पर इमेजेस में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सीन के अंदर हमारे पास मीडिया वन यहाँ पर और ये साइज़ आ रहा है आपके पास आपके पास यहाँ इमेज का साइज़ भी लिखा हुआ है सेवन फिफ्टी बाई वन थाउजेंड ठीक है सो आप लोग यहाँ पर साइज़ नोट करके अपना साइज़ भी बना सकते हैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस पड़ी हैं तो मैं वही यूज़ करूँगा इसके अंदर भी ठीक है यहाँ कुछ इमेज मेरे पास अवेलेबल हैं तो so, मैं इनमें से कोई यूज़ करूंगा सो so, फर्स्ट वाली मैं इमेज यहाँ पर यूज़ करता हूँ ये वाली ठीक है और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इस साइज़ के अंदर ठीक है और ये वाली इमेज को ड्रैग करूँगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप लोग लाकर इसको ड्रैग कर देंगे साइज़ के मैंने आप लोगों को दो वे बताए थे कि आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं एक तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और सेकेंड यहाँ पर देखिएगा इस लेयर के अंदर एक एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करते हैं नीचे ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्केल वाले में जाकर हम लोग अपनी मर्ज़ी से रिसाइज कर सकते हैं पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं आप लोग यहाँ से भी अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ से भी आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से तो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर फाइनल मीडिया में जाते हैं ये देखिए ये फर्स्ट पिक्चर हमारी यहाँ पर आ गई है सो तो जैसे आप लोगों ने वीडियो के ट्रेलर में देखा था कि कुछ इमेजेस का फेस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है सो तो वो ये इस तरह थी कि हम उन्होंने यहाँ पर इनको पी में कन्वर्ट किया हुआ था फ़ोटोशॉप में जाकर कि बैकग्राउंड रिमूव करके पी में कन्वर्ट किया था और वो पी की इमेजेस यहाँ पर यूज़ कर रहे थे तो अगर आप लोग वैसे ही सेम टू सेम चाहते हैं तो आप लोग पी में कन्वर्ट कर रहे इमेज को और सिंपल यहाँ पर ड्रैक कर दें और वो आपकी इमेज यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी ये अब आप बता के आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं या अगर आप सिंपल इस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि सिंपल इमेज आ जाए तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड इमेज आती है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं सो so, इसी तरह हम लोग सब इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं उनको रीसाइज करें और अपनी इमेज को ये लें या हम लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं यहाँ से अगर मैं फिट कर देता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन पर फिट आ जाएगी ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ और ये ले ये मैंने कर दी स्केल सो so, पिक्चर लगाने के बाद आपकी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर एडजस्ट आती जाएंगी तो इन्हें यहीं पे रहने दें आप लोगों ने बस फाइनल कैम में जाकर इसको री प्रीव्यू चेक कर लेना है कि जो पिक्चर हम लगा रहे हैं वो कैसी आ रही है ठीक है ये देखें दो पिक्चर्स हमारी यहाँ पर आ गई हैं यहाँ ऊपर हमारे पास कुछ टैक्स है इसी तरह आप लोग पिक्चर्स लगाते जाएंगे तो यहाँ तक आपके पास पिक्चर्स आती जाएंगे मैं लास्ट सीन वन पर क्लिक करता हूँ डबल जो तो सीन वन है उसके लास्ट में ठीक है और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये जो तो टैक्स दिए मैं इन्हें हम लोग अब चेंज कर लेते हैं ठीक है सो सबसे ऊपर हमारे पास स्टाइल स्टाइल की जगह आप लोग कुछ भी देख सकते हैं मैंने फैशन लिख दिया आप लोगों ने देख लेना ये टैक्स यहाँ पर कितना आ रहा है ठीक है so, सो स्टाइल तो से लिख देता हूँ नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ रहा है ऑन तो ये नीचे रहा इसकी जगह आप लोग ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर जो इसके ऊपर टैक्स आ रहा है वहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं अब ये पेज वन है पेज वन के अंदर उन्होंने ये साइज़ दिया हुआ है जो आपकी इमेज है वो इतनी आ रही है ठीक है सो ये पेज वन के अंदर उन्होंने कुछ शेप्स दी हुई है हमें और यहाँ पर मीडिया दिया हुआ है और मीडिया के अंदर ये पिक्चर है हमारी सो so, हमें यहाँ पर मीडिया टू पे भी ले आया है वो ठीक है सो हमें यहाँ पर जाना है पेज टू पे आते हैं पेज टू हमारा ये है और ये पिक्चर कुछ इस तरह यहाँ पर एडजस्ट हुई हुई है सो हम इसे रीसाइज यहाँ से री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी मर्जी से स्केल डाउन स्केल अप ठीक है सो ये बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसके अंदर अपनी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है और मूव टूल यहाँ से लेकर आप अपनी पिक्चर को इस साइज़ के मुताबिक शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हैं कुछ इस तरह ईयर ठीक है तो पेज के अंदर हम लोग कुछ इस तरह का एडिट कर सकते हैं मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ ये देखिए यहाँ पर हमारी पिक्चर कुछ इसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ चुकी है सो so, इसका जो सीन्स वन है हमारे पास यहाँ पर जो हमने मीडिया यहाँ पर इंसर्ट कर दिया मीडिया यहाँ पर क्लिक करें मीडिया इंसर्ट किया सब पिक्चर्स के अंदर थ्री में अभी नहीं किया टू में हमने ये किया इंसर्ट करने के बाद लास्ट में सीन्स वन पर आ जाए और यहाँ पर हमें वही पेजेस दिए हुए हैं तो जो यहाँ पर हमें शो होंगे सो so फर्स्ट वाला हमारे पास ये है देखिए मैंने इसको क्लिक किया है तो वो सिलेक्ट कर रहा है थ्री में ये है टू में ये था ठीक है सो so, फर्स्ट में हम लोग चले जाते हैं ये वाला तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हमें पिक्चर को एडजस्ट करना है ठीक है ये देखें साइडों से ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये इसके अंदर एम्बेड हुई भी है सो तो हम यहाँ से साइज को भरा कर देते हैं और ये यहाँ पर कुछ इस वे में एडजस्ट हो जाएगी सो सेम इसी तरह हमें सब में अडजस्ट कर देना है पिक्चर्स के अंदर और ये यहाँ पर आकर हमारा सीन वन क्रिएट हो जाएगा सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीन टू सेम इसी तरह उसके अंदर भी मीडिया हमें इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद पिक्चर्स लगानी है और पिक्चर्स लगा कर हम सीन टू में आकर उसके पेजस में हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे पिक्चर्स को ठीक है सो so, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पिक्चर को किस तरह यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करना है और एडजस्ट करना है सो so, वो हमारी वीडियो में कन्वर्ट होती जाएगी इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सेवन सीन्स आ रहे हैं और सब के अंदर हमें इसी तरह लगाना है और लास्ट वाले में जैसे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है देखिएगा ये वाला जो कि लास्ट वीडियो के लास्ट में आ रहा है सो so, हम इसको भी एडिट कर लेंगे सिंपल जैसे हमने इंट्रो फर्स्ट वाली में एडिट किया था सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर इसका इंट्रो भी एडिट करेंगे सो so, जैसे ही हम लोग अपनी पूरी वीडियो एडिट कर लेंगे फाइनल कैम में जाके उसका रिव्यू देख सकते हैं और फाइन वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ सर हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे एट टू रेंडर क्वेरी कर देंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा है लॉसलेस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उसके फाइल फॉर्मेट्स बता सकते हैं कलर्स बता सकते हैं अगर आप लोग एडिशनल एडिटिंग करना चाहते हैं तो सो so, मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही रखता हूँ और यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास फाइनल कैम डॉट ए वी आई की वीडियो आती है इस पर क्लिक करेंगे तो आप वो उसको बता सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर एडजस्ट कर लें सो so, यहाँ पर हमारे पास एक रेंडर का बटन आ रहा है जिसे आप लोग प्रेस करेंगे सो so, वीडियो आपकी रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी और वो ए वी आई फॉइल में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है सो so, अगर एम पी फोर में आप लोगों को कन्वर्ट करनी हो ए वी आई जो ए वी आई हमारे पास फॉर्मेट आता है वो भी एक वीडियो का फॉर्मेट ही आता है हमारे पास ठीक है हो गया आपके पास वीडियो में पर उसको अगर आप लोग रेंडर करके एम पी फोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग अलग से कोई टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो को किस तरह एम पी फोर में कन्वर्ट करना है सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को हमारी अच्छी लगी होगी अपना ख्याल रखिएगा अला हाफ़